दो मूवी चालू होती है और हम देखते हैं कि हमारे सोल्जर्स की पहाड़ों में जंग चल रही है। हमारा एक सोल्जर बंकर को लॉन्चर से उड़ा देता है। हमारे सोल्जर्स को लगता है कि एनिमी ख़त्म हो गए, पर वो बुजदिल चुपके से हमला करते हैं और हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी विक्रम अपने साथियों से कहता है कि बॉयज ओनली एक ही बंकर बाकी है। बंकर को लॉन्चर से उड़ाने के लिए क्लियर शॉट नहीं मिलता, तब विक्रम खुद ग्रेनेड लेके आगे बढ़ता है और यही हम फ्लैशबैक में जाते हैं, यानी विक्रम के बचपन में। तो यहाँ विक्रम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है और वो लंबा बॉल मार देता है, तो इसलिए उसे वो लाने के लिए जाना पड़ता है। विक्रम बॉल उन लड़कों से मांगता है पर वो लड़के नहीं देते। तब विक्रम WWE करता है, मतलब उनसे झगड़ के बॉल लेके भाग जाता है। तो इस बात पर उसके पापा उसे डांट देते हैं और वो बोलते हैं कि तुझे क्या गुंडा बनना है। तो विक्रम बोलता है नहीं, मुझे जो बनना है वो मुझे पता है। उस टाइम TV पर परमवीर चक्र करके एक शो आता था, पर उनके घर में TV ना होने के कारण वो पड़ोस के घर जाके देखते थे। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, विक्रम सोल्जर का ही यूनिफॉर्म पहन के जाता था। अब विक्रम लेफ्टिनेंट बन गया है। पूरे 23 साल लग गए उसे अपना सपना पूरा करने के लिए। उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से। वह अपने साथियों के साथ बेस पर पहुंचता है। ये है मेजर मुखर्जी, लेफ्टिनेंट संजय जामवाल, मेजर अजय सिंह जस्टोरिया। विक्रम उधर के सब लोगों से अच्छे से घुल मिल जाता है। तो गफूर भाई का बेटा अरसलान विक्रम के लिए चाय लेके आता है। तब विक्रम उसे बोलता है कि इतने दिनों से तुम कहाँ गए थे। तो वो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। तब गफूर भाई बोलते हैं कि ये लड़के ऐसे ही वादियों में घूमते रहते हैं। तब विक्रम उनको बोलता है कि आपकी वादियों में फिसलन भी बहुत है, अगर एक बार लड़का फिसल गया तो सीधा पाकिस्तान में मिलता है। जब वो सब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, तब सीनियर उन विक्रम को कहता है कि लोकल सिविलियन से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। तब विक्रम कहता है कि अगर हमें यहाँ पे ड्यूटी अच्छे से निभानी है तो इन लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। वो सब एक चेक पॉइंट पर आते हैं। उन्हें हथियारों की एक टिप मिली हुई होती है, पर विक्रम को लगता है कि ये टिप गलत है। तभी एक गाड़ी यूटर्न लेके वापस जाने ही वाली थी, तब विक्रम को उस पर डाउट आता है और वो उस भी फायरिंग करने लगता है। तो सामने से भी फायरिंग होने लगती है। सीनियर उसको कहते हैं कि यहाँ क्राउड है, पब्लिक है, किसी को भी लग सकता है, पर वो नहीं रुकता, वो उसको पकड़ लेता है। पर ऑर्डर ना मानने के कारण उसके सीनियर उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और विक्रम अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि अगर सामने वाला हम पे एक बार अटैक करे तो हम उन पे दो बार करेंगे, यही मेरा फंडा है। तभी उसके सीनियर भी उससे अच्छे से बात करते हैं क्योंकि उनका भी गुस्सा ठंडा हो गया है, और वो उसको बोलते हैं मुझे सर मत बोलो, अब से तुम मुझे जिमी करके बुलाओगे। अब हमारे विक्रम भाई को एक गिफ्ट मिलता है और एक चिट्ठी भी, और हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में। विक्रम एक लड़की को पसंद कर रहा होता है, पर वो इसको घास भी नहीं डालती। और तभी बहुत दिनों बाद वो विक्रम को देखती है और बस इधर ही हमारा सोल्जर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सीन चेंज होता है क्योंकि अरे भाई खुशी ही इतनी ही थी कि बॉटल तो खोलनी ही थी, पर वो दुकान का मालिक बॉटल देने से इनकार करता है क्योंकि ये सिर्फ सोल्जर्स के लिए होती है। तब विक्रम उनको कहता है कि मैं अब सोल्जर बनूंगा, तब तक इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब विक्रम ने हिम्मत जोड़कर डिंपल से एक मीटिंग कर ली। तभी विक्रम अपने आर्मी की पढ़ाई कर रहा होता है, तभी डिंपल वहाँ आती है और पूछती है कि तुझे आर्मी में जाना है, क्योंकि उसे यह चीज़ विक्रम ने बताई नहीं थी। तभी भी डिंपल की कोई एतराज़ नहीं था, सच में ऐसी लड़कियों का मेरा सलाम है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विक्रम डिंपल को प्रपोज करता है और वो हाँ बोल देती है, पर उसी वक्त डिंपल के पापा उधर आते हैं और दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। उनको घर लेके जाते हैं और विक्रम से बातचीत करते हैं। पापा जी ने उनके प्रेम कहानी को प्यार से फुल स्टॉप लगा दिया। इधर विक्रम अपने पापा को कहता है कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो अंकल जी समझ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि कौन है वो लड़की। घर में सबको पता चल जाता है और सब लोग डिंपल की फोटो मांगते हैं। विक्रम के घर में किसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे डिंपल के पापा ने उसके लिए लड़का पसंद कर लिया होता है, पर वह कहती है कि अब विक्रम नेवी ज्वाइन करने वाला है, उसे आपसे भी ज़्यादा सैलरी होगी।
पर पापा जी नहीं मानते। तब डिंपल बोलती है कि अगर मेरी शादी विक्रम से नहीं हुई तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। यहाँ पे विक्रम को उसका दोस्त समझा रहा होता है कि तू तेरे सपने मत चेंज कर, क्योंकि जब खुद हम अपने सपने तोड़ देते हैं ना तो बहुत दुख होता है। और विक्रम अपना सपना चेंज नहीं कर। डिंपल बोलती है कि तू एक ही डिसीजन पे फोकस कर और अब जब तेरा आर्मी में हो जाएगा तभी मेरे पास आना। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट डे में और यहाँ पे विक्रम को सब लोग शाबाशी देते हैं क्योंकि उसने हैदर के खास आदमी को पकड़ा हुआ होता है। तो विक्रम सर को पूछता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो सर उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि अपने इन्फॉर्मर का नाम किसी को भी नहीं बताना होता है। इंस चेंज होता है और हम देखते हैं कि हैदर चार लोगों को मार देता है क्योंकि उन लोगों ने बॉर्डर के उस पर जाने से इनकार कर दिया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गफूर भाई का लड़का अरसलान बाकी तीन लड़कों के साथ होता है। इन चारों को हैदर ने ही यहाँ पे लटका दिया होता है। यह बात सबको पता थी कि यह काम हैदर का ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्रम के साथ के सोल्जर को एक बेटी हुई है और उसका नाम दुर्गा रखा है। तो विक्रम बोलता है कि अरे हमारी बटालियन नारा भी है ना, दुर्गा माता की जय। विक्रम उस नन्ही से परी का फोटो देखता है और वो सोल्जर बोलता है कि ये 6 महीने की हो गई है, मैं जब छुट्टियों को जाऊंगा तभी मैं इसे पहली बार देखूंगा। तभी गफूर चाचा उधर आते हैं और वो विक्रम को अपने साथ लेके जाते हैं। वो विक्रम से मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया है, वो लोग इसे बॉर्डर के उस पर जाने को मजबूर कर रहे हैं। विक्रम उससे कहता है कि तुम उनके साथ ही रहो और मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोल्जर्स ने बहुत सारे हथियार पकड़ लिए हैं। वो सब को डिंपल के बारे में पता चलता है और विक्रम बोलता है कि मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। एक लड़का रोड के बीच में होता है तो सब लोग उसे साइड को होने के लिए कहते हैं। अभी एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और एनिमी अटैक करते हैं और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। हमारे सोल्जर्स ने एनिमी को दौड़ा दौड़ा कर मार दिया होता। तभी विक्रम उसके साथी के साथ साइड से अटैक करने को जाता है तो एनिमी की गाड़ी अचानक से सामने आती है और फायरिंग चालू कर देती है। तो विक्रम बच जाता है पर उसके दोस्त को गोली लग जाती है। विक्रम को बहुत बुरा लगता है, उसे लगता है कि वो गोली मेरे लिए थी पर मेरा साथी मारा गया। अभी उसके सीनियर उसे बहुत समझाते हैं। तब विक्रम बोलता है कि इससे आगे मेरा एक भी सोल्जर मारा नहीं जाएगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि विक्रम अरसलान से मिलने आया है पर जफरूक भाई उसे उससे मिलने नहीं दे रहे। तब अरसलान विक्रम को हैदर कहाँ है ये बताता है। विक्रम अपने सीनियर्स को बताता है कि मुझे हैदर का पता चल गया है। तब सीनियर्स उसको बोलते हैं कि तू अकेला ही जाएगा इस मिशन पर, तू इस मिशन को लीड करेगा। तब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे सिपाहियों ने हैदर के अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया होता है। विक्रम अपने सीनियर को बताता है कि टारगेट अंदर ही है पर सीनियर बोलते हैं कि क्या तुमने हैदर को देखा है। तब विक्रम बोलता है कि नहीं। तो विक्रम अपनी कंपनी से कहता है कि हम बॉयज अब अंदर जाने वाले। तभी वो सब अंदर जाते हैं और हैदर को विक्रम पकड़ लेता है। विक्रम हैदर को उसी वक्त मार देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्रम अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए वापस जा रहा होता है पर उसे यह नहीं पता होता है कि एनिमी हमारे घर में घुसने के लिए तैयार है। दुश्मनों ने हमारे एक पॉइंट को कब्जा कर लिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिंपल विक्रम से नाराज़ होती है। वो बोलती है कि तुमने 4 साल में मेरे साथ 4 दिन भी अच्छे से बिताए। और वो डिंपल से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ 4 दिन नहीं पूरे 40 साल साथ बिताने हैं। अगले सीन हम देखते हैं कि विक्रम अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है। वो दोस्त बोलता है कि विक्रम को तू थोड़ा अपना ध्यान रखा कर। तभी इधर आता है इस मूवी का सबसे इमोशनल डायलॉग। विक्रम बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊँगा अपना तिरंगा लहरा के, नहीं तो उसमें लिपट के, पर मैं वापस जरूर आऊँगा। और इधर देखते हैं कि हम विक्रम वापस जाता है। अगला सीन में हम देखते हैं कि हर सिपाही की एक इच्छा होती है कि उसे वॉर में जाने का मौका मिले और ये विक्रम का मौका था। उसी वक्त हम देखते हैं कि एनिमी ने अटैक कर दिया है, सब लोग सेफ जगह की तरफ भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मेजर अजय सिंह को बहुत गहरी चोट लगी होती है और वह वही शहीद हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेजर अपने बॉयस से कहता है कि हम अब 13 चैक राइफल नहीं रहे, अब हम वॉर में जाने वाले हैं। तो वो सबको अपना अपना कोडवर देता है और विक्रम का कोडवर होता है
शेरशाह। उनको 0.5140 को कब्जा करना होता है, पर वो 0.5140 ये आसान टास्क नहीं होता, क्योंकि वो 17,000 फीट के अल्टीट्यूड पे है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम कम होती जाएगी। मेजर उनको दो टीम में डिवाइड कर देता है। पहली टीम ईस्टर्न साइड से जाएगी और बंकर को डिस्ट्रॉय करेगी, और विक्रम की टीम साउथ साइड से जाएगी और बंकर को डिस्ट्रॉय करेगी, क्योंकि साउथ साइड ही 70 से 80 डिग्री की इंक्लाइन है, तो दुश्मन सोचेगा भी नहीं कि उधर से भी कोई आ सकता है। तो जीतने के बाद एक विक्ट्री सिग्नल मेजर को देना होता है, तो जिमी का विक्ट्री सिग्नल होता है कि ओ या, और विक्रम का होता है ये दिल मांगे मोर। तो विक्रम बताते हैं कि मैं सिर्फ ये 0.514 के बाद नहीं रुकने वाला, मैं इनको दौड़ा दौड़ा कर वापस भेजने वाला हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुश्मन रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ लेता है और वो बोलता है शेरशाह कौन है। तो विक्रम उसे कहता है कि तू उधर से हिल मत, उधर आके ही तेरे को मारूंगा। तभी जिमी की फोर्स अपने लोकेशन पर पहुंची हुई होती है और वो मेजर से बोलती है कि आर्टिलरी फायर आप अभी बंद कर दीजिए। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि सब सिपाही अपनी अपनी पोजिशन पर बैठे हुए होते हैं और वो सब एमिनी पे अटैक कर देते हैं। सबके सब दुश्मन को दौड़ा दौड़ा कर मार देते हैं। दूसरे साइड से भी हमारे सिपाही आ जाते हैं और विक्रम भी सबको मार देता है। इस सीन में हम देखते हैं कि वो 0.5140 अब हमारा हो चुका होता है। हमारा तिरंगा हमारे सिपाही वहाँ पे लहरा देते हैं। विक्रम अपने मेजर को मतलब चाणक्य को कॉल कर रहा होता है और इधर हम देखते हैं कि एक सिपाही पाकिस्तान के झंडे को अच्छे से घड़ी गाल रहा होता है। यहाँ पे जिमी ने भी विक्ट्री हासिल कर रही होती है और वो सिग्नल दे देता है ओ या, और यहाँ पे शेरशाह मतलब अपना विक्रम बोल देता है कि ये दिल मांगे मोर। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रम कैप्टन बना दिया होता है। उधर ही विक्रम का इंटरव्यू चालू होता है। पाकिस्तान ने इन सब के शरीरों को लेना कर दिया होता है, तो इंडियन आर्मी वहाँ के लोकल मौली को बुलाकर ही इनको दफन कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेजर बोलते हैं कि अब हमको 4875 पॉइंट को रिकैप्चर करना है और हमने ये कर दिया तो ये वॉर यही ख़त्म हो जाएगी। तब मेजर बोलते हैं कि हमारे पास बाकी के यूनिट है तो वो जाएंगे ये पॉइंट कैप्चर के लिए। तो विक्रम बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे जाने दो, और विक्रम उनको कन्विंस कर लेता है। विक्रम वहाँ के रेडियो फोन से डिंपल को कॉल करता है और उसको बताता है कि एक लास्ट मिशन बचा है, वो ख़त्म करके मैं वापस आऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रम अपने साथियों को चेयरअप करता है और उनको बोलता है कि अब ये लास्ट मिशन है और ये हम ही जीतेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे सिपाही वहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं और एकदम जोर से अटैक कर रहे होते हैं। विक्रम उनको बोलता है कि क्या छुपकर हमला कर रहे हो, हिम्मत है तो सामने आके हमला करो। हमारा एक सिपाही घायल हो जाता है तो विक्रम अपने साथ के सिपाही को बोलता है कि रुको मैं जाता हूँ उसको लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारे बड़े बड़े बच्चे हैं। और इस सीन में हम देखते हैं कि वो घायल हुआ सिपाही विक्रम को बोलता है कि सर मुझे वापस मत भेजिए, सच में सलाम है आपके ऐश्वर्य के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रम ग्रेनेड लेके बंकर के तरफ बढ़ रहा होता है और वो बंकर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी दूसरा सिपाही विक्रम को बोलता है कि सर आप तो बहुत डेंजर है, पूरा का पूरा बंकर दिया। तभी हमारे सिपाही को लगता है कि एक पॉइंट हमारा हो गया है, तभी और एनिमी पीछे से आ जाते हैं। विक्रम अपने मेजर से रेडियो पे बात करता है कि उन्होंने और एक बंकर बना लिया है। हमारे एक सिपाही आरपीजी से उस बंकर को उड़ाने ही वाला था, तभी एक स्नाइपर उसको मार देता है। विक्रम उसको बचाने के लिए जाता है तो स्नाइपर लगातार उस पर गोली मारता रहता है। विक्रम को एक गोली लग जाती और विक्रम अब कहता है कि कुछ भी हो जाए तिरंगा तो हम ही लहराएंगे। विक्रम को बहुत सारी गोलियां लग जाती है पर हमारे एक सोल्जर स्नाइपर के बंकर को उड़ा देता है। विक्रम नीचे गिर जाता है और हमारे सोल्जर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो एनिमी पे टूट पड़ते हैं। उन सबको मारने के बाद हमारे सोल्जर्स तिरंगा लहराते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विक्रम बत्रा अमर रहे ऐसा नारा लगा रहे होते हैं। अब इससे आगे बहुत इमोशनल सीन है। विक्रम तिरंगे में लिपटा हुआ होता है, उसके मम्मी पापा को तिरंगा और उसकी कैप दी जाती है। सब लोग के साथ बिता हुए वो गोल्डन लम्हों को याद कर रहे होते हैं। सच में ऐसे माँ बाप को दिल से सल्यूट है। अगले सीन में देखते हैं कि डिंपल भी वहाँ आती है
और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसको आखिरी बार विक्रम को देखने को भी नहीं मिलता। आपको बता देता हूँ कि असल लाइफ में भी डिंपल जी ने अभी तक शादी नहीं की है, और ये है रियल लाइफ हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा। ये हंसता हुआ चेहरे ने करोड़ों लोगों की जान बचा ली। सल्यूट है सर आपको, दिल से सल्यूट।